रूप साध संगत जी फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ए गुरुद्वारा पुरातन कंगन घाट है साध संगत जी। साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह दा प्रकाश संबत 1723 22 दिसंबर 1606 ईस्वी नु पटने शहर विच होया। जन्म तो 7 साल तक इथे रहे पटने विच। तदों इथे आके बालकां नु नाल लेके खेडा खेडदे, जिन्हां विच बेड़ी साहिब शस्त्र विद्या दा अभ्यास अमेरी खेडा हन। खेडा खेडदियां एक दिन सोने दा कड़ा गंगा च डिग पिया। आप जी ने माता जी नूं आ दस्या। माता जी इत्थे घाट ते खलो के पुछया, लाल जी कड़ा कित्थे को डिगा है ताकि कड़ा लईए। बाला प्रीतम जी ने दूसरा कड़ा ला के बगा मारिया ते तोतरी रसना लाख्या, माता जी इत्थे को डिगा है। माता जी ने सिंगां नूं कड़ा कढ़न लई कहा। जदों सिंगंगा विच वड़े तो जिधर वेखन कड़े ही कड़े नजरी आवन लगे। इस गल देख के सारी संगत हैरत में हुए, विस्मित हुए। साध संगत जी ऐसे ही स्थान ते सुदत पंडित जो राम दा पुजारी है सी, ये फोटो भी है साध संगत जी। ये साधु बाबा सुदत पंडित ने, ये सुदत पंडित इत्थे कंगन घाट 60 साल तो तपस्या कर रहे थे श्री राम दा। ये राम दा उपासक थी, राम जी का दर्शन करना चाहता सी। इस करके 10वें पातशाह इन्हां नूं राम रूप विच होके दर्शन दिते सन ये स्थान ते। उस वेले महाराज उम्र 5 साल दी। साध संगत जी दो कौतुक किते ने थे कंगन घाट। दो कंगन सुटिया, हजार हजार कंगन संगतां नूं दर्शन कराए। दूसरा सुदत पंडित नूं राम रूप होके दर्शन। एक अकाल पुरख वाहिगुरु दी सेवा सिमरन दा उपदेश दिता इन्हां नूं सुदत पंडित नूं। फिर ये महाराज दा शिष्य बन गया सी। साध संगत जी जदों जान लगे महाराज 7 साल तो बाद पटने तो अनंतपुर साहिब पंजाब, पटने वासी प्रेमी 18 बंदे नाल गए सन। ये सुदत पंडित में नाल ही गया सी साध संगत जी। साध संगत जी दोबारा मुड़ के महाराज पटने नहीं आए। ये सुदत पंडित भी उत्थे ही रह गया सी अनंतपुर साहिब। ये जड़ी गुजारा छोटी सी है, जगह की कमी करके वड्डा गुजारा नहीं बनया सी, क्योंकि उस वेले गंगा इतों नाल बगती सी, थले सारी गंगा सी जी। ये गंगा के कोर से बनया है महाराजा रणजीत सिंह का 350 साल पुराना इमारत है। ये मरम्मतां नाल चल रहा है साध संगत जी। ये 20-25 फीट थले तो बनया है, 2 कमरे बने ने कपड़े चेंजिंग वास्ते। असली कंगन घाट इतों सी। ये ताकि थले बरांडा है, बरांडा के नाल इतने से लेके आगे तक 13 पौड़ियां ने पत्थर दी। हुण पौड़ी थले हो गई है, उन्होंने पौड़िया नाल खलो के मार कंगन सुटिया सी इस पासे। उस वेले गंगा इतों सी, हुण गंगा पीछे चली गई है। रास्ता जाता है, लोग दर्शन करते हैं। उसे पटने का सिविर कंगन घाट बनया है। गंगा जी पौड़ी के नाल हाजिर ना, लेकिन साल बिच एक बारी ये पुरानी थान से आके लग जाती है चरण छूने वास्ते। हर साल आती है 10 दिन वास्ते स्नान पानी, इतने फिर वापस हो जाने चरण छू के। हुण जगह काफ़ी हो गया साध संगत जी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने गुरुद्वारे वास्ते इतने से लेके आगे तक 4.5 एकड़ जमीन अलाउड करा दी थी। गुरुद्वारे की लिखा पढ़ी रजिस्ट्री हो गई है। बाबा हरबंस सिंह दिल्ली कार सेवा चला के नाल बड़ा गुरुद्वारा तैयार किए ने। उत्थे भी महाराज का प्रकाश हो गया साध संगत जी, 2 साल होए ने। लेकिन जिथे आप जी सजे हुए बाला प्रीतम का 350 साल पुराना इतिहासिक गुरुद्वारा है, जिथे महाराज खेडते सन, सुदत पंडित ने राम रूप के दर्शन दिते। लखा संत महात्मा इंग्रल अमेरिका के महापुरुष इतने मथा टेक चुके हैं। ये परम पवित्र थान है, इतने का अरदास सफल होता है। सजे पिता बाला प्रीतम आप जी की यात्रा सफल करें। अंग संग सहायता परिवार में सुख शांति, हर मैदान फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।